नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, बिहार पुलिस दिवस के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार को बिहार पुलिस के तत्वावधान में जन जन की ओर बढ़ते कदम के तहत शेरघाटी अनुमंडल पुलिस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शेरघाटी पुलिस पदाधिकारी ESP के रामदास, शेरघाटी सर्किल इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें, रक्तदान में शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी के रामदास ने पहले रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कई कार्यों में हिस्सा लेती है। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। और अनुमंडल हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरी ने डॉक्टर राजेंद्र, उनका मेडिकल टीम, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे राज्य में उसका आज अंतिम दिन है, इस वर्ष भी मनाई जा रही है और इस वर्ष का हम लोग का थीम है जन जन तक हम लोग को पहुँचने का। ये थीम है बिहार पुलिस जन जन तक। उसी के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उसी की अंतिम कड़ी में ये हमारे आज का प्रोग्राम है, लास्ट कड़ी है, जिसमें हम लोग सभी पुलिसकर्मी और पदाधिकारी सभी मिलकर के रक्तदान करेंगे, स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे ताकि समाज में एक मैसेज चला जाए, पुलिस सुरक्षा ही नहीं करती है, आपके लिए हर तरह से हर सामाजिक कार्यों में भी आपके साथ खड़ी रहे। कल मुख्यमंत्री के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया, क्या बताया गया सर? वही बताया गया कि आप बिहार पुलिस जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हम 25वें स्थान पर हैं अपराध, यानी हमसे 24 स्थानों पर हैं, और जबकि आबादी हमारी तीसरे नंबर पर है, तो हमारी पुलिस अच्छी तरह से काम कर रही है। उसमें जो हम लोग ये मतलब ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने काफ़ी सराहना किया।